हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर क्या आपके सामने आ गया हूँ एक ट्रिक लेकर के, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। एक नया चैप्टर है जो आप जानते हैं फर्स्ट ईयर का, और नीट के लिए स्पेशली ये मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये स्पेशल फॉर नीट है, याद रखिएगा। एकदम शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और ज़िंदगी में नहीं भूलेगा जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ट्रिक क्या है मिनरल न्यूट्रिशन में जो बार बार भूल जाता है, कहते क्या है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम बताओ। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। पहला देखिएगा ट्रिक क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, तो आपको पता है मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में, है ना, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाए। कहां पर? प्लांट्स में। भाई प्लांट्स का पढ़ना है तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्लांट में क्या पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं, जो पाया जाएगा, जो एलिमेंट पाया जाएगा उसे बोलेंगे क्या, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों मैं बताने जा रहा हूं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है। आप जानते हैं कि कोन, देखिएगा ट्रिक, देखिए कोन, CHON कोन, ठीक ना, पीके मग से काफी। देखिए क्या मैंने बताया, कोन पीके दोनों को मिला दीजिए, पीके मग, ये हो जाएगा मग से, और ये हो जाएगा काफी। तो याद हो गया बच्चों, बताइए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स याद हुआ, कौन पीके मग से काफी याद हो गया। अब कौन पीके मग से काफी का मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलिनियम, कैल्शियम और आयरन। बहुत शानदार ट्रिक है, ध्यान रखिए, एकदम बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो प्लांट में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है वो होता कौन है, तो आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मली आप पढ़ेंगे इसको तो याद बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे जो है कई दिन लगा देते हैं याद करने में। तो बच्चों याद रखना, एक मिनट के अंदर ये आप कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, कौन पीके मग से काफी। आप कहेंगे सर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उनका ट्रिक बताइए, बिल्कुल आइए देखते हैं। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल अमाउंट, देखिए जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता हो, स्मॉल अमाउंट में क्या हो, प्लांट में पाया जाए, कौन होता है, तो आइए इनकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इसका भी ट्रिक सुन लीजिए, इसका भी ट्रिक सुनिए क्या है, बेंगलोर जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, ठीक है। बेंगलोर जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, ठीक है ना, क्लोरीन क्या है, फेंका, याद रखिएगा। क्या मैंने बताया आपको, बेंगलोर जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, बहुत आसान है। माइक्रो कौन होता है, बेंगलोर जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, ठीक है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, बेंगलोर नोट कर लीजिए, जाकर मॉम ने कुएं में क्लोरीन फेंका, ठीक है भाई, याद हुआ, समझ में आया। चलिए ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट में कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ठीक ना। आगे चलिए हम बताने जा रहे हैं आपको क्लोरोसिस, जो बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। क्लोरोसिस क्या होता है, तो क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट है, क्या है, पिगमेंट है, जो क्या करता है, प्लांट को ग्रीन करता है, प्लांट को क्या करता है भाई, ग्रीन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल।
जब इसका देखो जहां लिसिस या ये लास्ट में लिसिस वर्ड लगा रहता है उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाए, क्लोरोफिल प्लांट में से हटने लगे यानी कि पौधा पीला होने लगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोसिस। ठीक है बच्चों, और जिसकी वजह से हरा होता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ये क्या है, पिगमेंट, जो कि आप कहां पाया जाता है, प्लांट में, करता क्या है, ग्रीन। समझ में आ गया। तो इसकी वजह से जो है अगर क्लोरोफिल ना हो या कुछ एलिमेंट जो है वो ना पाए जाए पौधों में, तो उसकी वजह से पौधा पीला होने लगता है। नाम क्या है, थोड़ा इनका देखिएगा कैसे नाम हम लोग याद करेंगे। तो मैंने क्या बनाया है, नेहा के मांगने से, नेहा के मांगने से फिर मैंने जाना मोबाइल। क्या बच्चों, नेहा के मांगने से फिर मैंने जाना मोबाइल, खत्म। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, और उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ, जब क्लोरोफिल हो जाएगा तो भाई येलो कलर का हो जाएगा क्या, पौधा। और किसकी कमी से होता है क्लोरोफिल लॉस, या किसकी वजह से, किसकी कमी से पौधा जो होता है वो पीला पड़ जाता है, येलो हो जाता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ठीक ना, फिर आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम। कैसे याद करेंगे, नेहा के मांगने से फिर मैंने जाना मोबाइल। अब एक वर्ड आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसके द्वारा होता है, लगे हाथ इनको ही पढ़ लेते हैं। नेक्रोसिस का ट्रिक क्या है, थोड़ा इनको देख लीजिए, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, आइए इनको देखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, का कुछ मांगे के, का कुछ मांगे के, समझ में आ गया। नेक्रोसिस किसके कमी से होता है, का कुछ मांगे के। एक और ट्रिक मैं बता देना चाहता हूं कि प्लांट में सेल डिवीजन, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, किसकी कमी से, तो आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेहा के, थी ना, नेहा के सुना मोबाइल, ये क्या होता है, नेहा का सुना मोबाइल क्या है, इनहिबिट सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो सेल डिवीजन नहीं होता है प्लांट्स में, इसी वजह से पौधा क्या होता है, छोटा रह जाता है, मतलब ड्वार्फिज्म होने लगता है उसमें, इसकी कमी से। नेहा के सामने मोबाइल, नेहा के सामने मोबाइल, याद रखिएगा, नेक्रोसिस का कुछ मांगे के। क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, नेहा के मांगने से फिर मैंने जाना मोबाइल, बहुत आसान। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और बहुत सारे वीडियो आपको बायोलॉजी में मिलती रहेंगी, ट्रिक और आते रहेंगे आपके सामने। हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो इससे परेशानियों से जूझ रहे हैं वो आसानी से याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।